हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आप एसएससी सीजल का फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हो। गर्ल्स के लिए तो टोटली फ्री रहने वाला है, कोई भी फीस की नहीं रहने वाली है। बॉयज के लिए 100 रुपीज की फी है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर चुके हैं तब भी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएशन का फाइनल एग्जाम दिया हुआ है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन था कि फोटो अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रहा है, सिग्नेचर अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रहा है। बने रहिए वीडियो को एंड तक। अगर आपने वीडियो थोड़ा सा स्किप किया तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। अगर आपका भी कोई रिलेटिव है या फिर कोई भी आपका जान पहचान वाला है जिसने रिसेंटली ग्रेजुएशन की हुई हो या फिर ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया हो, आप उसे वीडियो शेयर कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटे से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसा हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहे। तो वैसे हम आ चुके हैं लैपटॉप के लाइव स्क्रीन पर। आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं ssc.gov.in। फर्स्ट वेबसाइट पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एसएससी का ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से लॉगिन या रजिस्टर कर सकते हो। आपने अप्लाई बटन पे क्लिक कर देना है और जैसे अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे आपने सेकंड नंबर पे सीजीएल पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको लॉगिन के लिए बताएगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके तो लॉगिन कर दीजिए या फिर रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है आपके पास आधार नंबर है तो आप आधार नंबर डाल दीजिए। कन्फर्मेशन के लिए जो भी डिटेल आप डालेंगे यहाँ पर आपको दो दो बार डालनी पड़ेगी। उसके बाद आप अपना बता दीजिए। अगर आपने कभी नाम वगैरह चेंज किया होगा, मैट्रिकुलेशन में नाम गलत होता है कभी एक बार सर्टिफिकेट में, अगर आपने किया तो बता दीजिए। उसके बाद आपने जेंडर बता दीजिए, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, फादर नेम बता दीजिए, उसके बाद अपना मैट्रिकुलेशन बोर्ड बता दीजिए, आपने मैट्रिक कहाँ से कौन से बोर्ड से किया है, उसके बाद अपना रोल नंबर बता दीजिए, उसके बाद अपना कब पास किया टेंथ आपने, उसके बाद आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बता दीजिए, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए और ईमेल आईडी बता दीजिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो बताने जिस पे आपको ओटीपी आएगा और आपने यहाँ पे ओटीपी डाल के इसे वैलिडेट करना है ताकि आप आगे इसका फॉर्म भर सके और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल फ़ोन पर मिल सके। उसका 7 कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे आप करेंगे आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ चुका है, आपने इसे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके लिए बता रहा है यहाँ पर कि आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर दीजिए। आप अपना पासवर्ड जैसे क्रिएट करेंगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर यहाँ पर पासवर्ड अपना वो डालेंगे जो आपको बाद में लॉगिन करने में आपके हेल्प हो। आपने पासवर्ड ओल्ड पासवर्ड में वो डालना जो आपके मैसेज में आया होगा, मोबाइल फ़ोन नंबर के मैसेज SMS में आता है वो आपका यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड वो डालेगा, फिर नया आप क्रिएट करके रख सकते हैं। उसके बाद कैप्चा कोड फिल करके आप यहाँ से लॉगिन कर दीजिए और उसके बाद कैटेगरी अपनी बता दीजिए। एडिशनल डिटेल में आप अपनी कैटेगरी बता दीजिए। अगर आप जनरल में हैं तो जनरल डाल दीजिए या फिर SC ST वगैरह जो भी है तो आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद बात की जाए अगर आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क का, आइडेंटिफिकेशन मार्क डाल दीजिए आप अपना। और उसके बाद डिसेबिलिटी वगैरह जो भी एड्रेस आपका है आपको केयरफुली अपनी डिटेल जो भी डालेंगे आप केयरफुली अच्छे से अपनी डिटेल फिलअप कर दीजिए। उसके बाद 7 नेक्स्ट कर दीजिए। 7 नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा। आपने यहाँ पर आई एग्री करके डिक्लेयर कर देना है। आप जैसे करेंगे यहाँ पर सक्सेस का फिर से आपके सामने आ जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको अप्लाई करने के लिए बता रहा है आप मल्टीटास्किंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सीजीएल के लिए। आपने सीजीएल पे अप्लाई क्लिक कर देना है। अगर आप सीजीएल पे अप्लाई करते हैं जैसे फिल फॉर्म पे आपको उसके बाद एक ऑप्शन आएगा। फिल फॉर्म पे आपकी डिटेल तो पर्सनल डिटेल आपकी सारी आ चुकी है, रजिस्ट्रेशन पे जब आपने डाल दी वो सारी यहाँ पर आ चुकी है। आप यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका एजुकेशनल डिटेल डाली जाएगी, हाईएस्ट एजुकेशनल डिटेल आपकी जो भी आपका है तो आप यहाँ पर अपना डाल दीजिए, ग्रेजुएशन है या मास्टर्स है जो भी है। उसके बाद आपना बता देना पास या अपीयरिंग है। उसके बाद आपने कब पास की हुई है आप अपना ईयर बता दीजिए, आपने अपनी ग्रेजुएशन कब पास की है, जो भी आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। उसके बाद कौन से यूनिवर्सिटी से की है, कौन से स्टेट से की है, रोल नंबर अपना डाल दीजिए, पेरेंट ने ये परसेंटेज डाल दीजिए और 7 कंटिन्यू कर दीजिए फिर से। जैसे 7 कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद दूसरा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं, तो अगर आप एज रिलैक्सेशन में आते हैं तो बता दीजिए, अदरवाइज 7 नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद प्रेफरेंस आपको एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर रखना चाहिए आपका, तो आपने क्लिक कर देना है। आपका नज़दीक की जो भी एग्जामिनेशन है आप उसे सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर हर सिटी का यहाँ पे है,
जैसे आप जम्मू करना चाहते हो, आप जम्मू के आसपास रहते हो आप जम्मू कर दीजिए, सांबा के आसपास रहते हो सांबा कर दीजिए, अगर श्रीनगर के आसपास रहते हैं तो श्रीनगर कर दीजिए, जो भी वो नज़दीक पड़ेगा आप वो अपना सिलेक्ट करके चूज़ कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम वहीं पर रहने वाला है जहाँ पर आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ऐसा ना हो कि आप कहीं दूर वाला सेंटर सेलेक्ट कर दीजिए और एग्ज़ाम टाइम आप नहीं पहुँच पाओगे। यहाँ पर आपने ये बताया, यह बताएगा आपका कि आप डिसेबलिटी में आते हैं, जो भी आपका, आप पढ़ दीजिए एक बारी डिसेबलिटी कौन सा ग्रेड कैसे क्या है, आप यहाँ से क्लिक करके बता सकते हैं इसको। उसके बाद अपलोड सिग्नेचर और फोटो के लिए आपको बताएगा। बहुत सारे लोगों यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, फ़ोटो अपलोड नहीं होता है, फ़ोटो अपलोड नहीं होगा यहाँ पर, आपने फ़ोटो अपलोड कैसे करना है, ये जो QR कोड है इसको स्कैन करके या तो प्ले मोबाइल के प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन आता है उस पर जाइए, या फिर प्ले स्टोर पर आप डायरेक्ट जाइए, MySSC आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर, जो आपको लोगो भी दिख रहा होगा SSC का लोगो है एप्लीकेशन पर। जैसे आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड अपना यहाँ पर डालना है, जैसे आप डालेंगे लॉगिन हो जाएंगे आपके सामने। यहाँ पर CGL आपने सेलेक्ट करना है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे थे आप एक्सेप्ट कर देना, आपको बता रहा हूँ जो भी परमिशन आप इसे परमिशन दे दीजिए और कैमरा आपका ओपन हो जाएगा। ये देखो आप बता रहा है You are to close, आपके कैमरे के ज़्यादा क्लोज है, कैमरे से थोड़ा दूर हो जाए और आपके फेस पे पूरी लाइट पड़नी चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म बाद में रिजेक्ट हो सकता है। ये देखो बता रहा है फोटो सक्सेसफुली अपलोडेड, ये मीन इट मीन्स कि फ़ोटो आपका सही है, अब आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ये देखो अब आपकी इस पे आ चुका, अब आप यहाँ से ये हो गया अपलोड आपका फ़ोटो, आप जाके वेबसाइट पे डायरेक्ट अपना फॉर्म कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर्म पे कंटिन्यू करने के लिए अब आपका सिग्नेचर भी अपलोड होना चाहिए। सिग्नेचर मैं बता दूँ आपको कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर आपने व्हाइट पेज पर साइन करना है, उसका फ़ोटो ले लेना है। फ़ोटो लेने के बाद आप अपनी गैलरी में चले जाए और उसको सेलेक्ट कर दीजिए, जो भी आपका फ़ोटो है जो आपने सिग्नेचर का लिया हुआ है, सिग्नेचर के फ़ोटो को आप क्लिक करेंगे तो और उसको आपके मोबाइल फ़ोन में एक गैलरी में एडिट का ऑप्शन आता है, मोबाइल फ़ोन का एडिट का ऑप्शन आता है जहाँ से आप अपने फ़ोटो वगैरह क्रॉप कर सकते हो। वहाँ से आप अपने सिग्नेचर को क्रॉप कर सकते हैं रेक्टेंगुलर साइज़ में, स्क्वायर में नहीं करेंगे, स्क्वायर में करेंगे तो आपका सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा, आप रेक्टेंगुलर साइज़ में इसे क्रॉप करेंगे, जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ ऐसे आपने क्रॉप कर देना है रेक्टेंगुलर साइज़ में, और इस रेक्टेंगुलर साइज़ में आपने इसे क्रॉप कर देना अच्छे से और आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपके गैलरी में फिर से रेक्टेंगुलर साइज़ में आपका सिग्नेचर सेव हो चुका है, आप इसको वहाँ से जाके अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद अगर आप मेल हैं तो आपको 100 रुपये की फ़ी भरनी होगी, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप फीमेल हैं तो आपका फॉर्म टोटली फ्री है, आप सबमिट कर सकते हैं, तो आप अपनी रिसिप्ट डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। चलिए गाइस, अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो, मल्टीटास्किंग का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो भी देखना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और आपको वो वीडियो भी जल्दी मिल जाएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसा हेल्पफुल वीडियोज़ मिलता रहे।